केंद्र की मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर नुह में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को सेवा ही कार्यक्रम के तहत जिले के नुह और पुनाना में भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर नुह पार्टी के जिला कार्यालय और पुनाना की पंजाबी धर्मशाला में लगाया गया। यहाँ युवाओं ने बढ़ चढ़कर देश हित में रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शैलेश रईस खान, ANM समिया, रेड क्रॉस सोसाइटी व उनकी टीम द्वारा सहयोग किया गया। इस रक्तदान शिविर में लगभग 100 यूनिट रक्तदान एक चित्र किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत मास्क व सैनिटाइजर और भोजन वितरित का कार्य भी किया गया। जिले के पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के विषय पर जानकारी देते हुए जिला प्रभारी समय सिंह भाटी ने बताया कि मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर नुह सहित पूरे प्रदेश में लोकहित के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पार्टी अपनी विभिन्न सेवाओं को लेकर समुचित प्रदेश के 6 लाख परिवारों का तक पहुंचाने वाली है। उन्होंने बताया कि 29 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन इस कार्यक्रम के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि सेवा की संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिले के लगभग 300 गांव में घर घर जाकर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर तथा पत्र बांटकर लोगों का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा चलाई जा रही सेवा रसोई कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि महिला कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास की बदौलत जिले में चल रही सेवा रसोई सेवा उल्लेखनीय कार्यक्रम को जरूरतमंदों की पूर्ति करने का काम कर रही है। गरीब व जरूरतमंदों को समय पर भोजन मिले इसके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जाहिद चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, ताहिर हुसैन, जसवंत गोयल, सुभाष भारद्वाज, दलवीर सिंह, शिव कुमार, आर्य सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंजुबाला, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रमेश मानुवास, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष केशव पंडित, दिनेश नागपाल, जितेंद्र सैनी, शिवा सोनी, मनीष यादव, खिलौनी राम, योगेंद्र तंवर, ममता, मनोज पवार, हेमराज शर्मा, मोहम्मद जैद, राम किशन, इलाही मंजूर, ईशु राजा, मोइन खान, कासिम बिलाल, पवन कुमार, सचिन तंवर सहित काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के 7 साल कार्यकाल के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नुह से जुबैर खान की रिपोर्ट। आज की जो प्रेस वार्ता रखी है मित्रों, पहली बात तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी सबकी सेवा करने का मुझे 3 साल के लिए आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक प्रभार के नाते आपके बीच में भेजा है। तो आप सबके बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की जनता की सेवा, हमारे नुह जिला की जनता की सेवा हम कितने अच्छे तरीके से कर पाए उसके लिए हम कोशिश करेंगे अगले 3 वर्ष तक पूरे मेहनत से पूरी ईमानदारी के साथ में। जो चलने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी मनोहर जी के नेतृत्व में, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं हमारी सरकार की, चाहे वो पिछली सरकार की हों चाहे अभी वर्तमान की सरकार की हों, वो सबकी सब योजनाएं जिस उद्देश्य के लिए, जिस कॉमन मैन के लिए बनाई गई हैं वहाँ तक वो पहुँचें उसके लिए अपने सबका, हम सब पूरी टीम का, नुह जिला की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उसमें तत्परता के साथ में लगेगी और एक अच्छा रिजल्ट हम देने की ये पूरी टीम करेगी। और मित्रों, दूसरा कारण है प्रेस का कि केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को, जो उनका दूसरा कार्यकाल है, उसके 2 साल पूरे अभी 30 तारीख को हो रहे हैं। 30 मई 2019 को नरेंद्र भाई मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली थी इस देश की 130 करोड़ की जनता की सेवा करने की। और उस 5 साल का जो कार्यकाल चलना है उसमें 2 साल पूर्ण हो गए उनके। और इस बीच में आप और हम सबको मालूम है कि इतनी भयंकर महामारी जो एक पहले फेस में हमने झेली, फिर उसके बाद तुरंत थोड़े से
टाइम के अंतराल के बाद दूसरा फेस जो अभी वर्तमान में चल भी रहा है काफ़ी कंट्रोल करा है हमारी केंद्र की सरकार और पहुँच ही प्रदेश की सरकार। ज़्यादातर पूरे देश में जिस तरीके से एक जो बेड की व्यवस्था करनी हो चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी हो चाहिए, आपके लिए रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की व्यवस्था करनी हो, तो बहुत सी जो दवाइयों की व्यवस्था करनी हो, इन सारी चीज़ों पर फोकस करा और जल्दी से जल्दी जनता तक इन सारी सुविधाओं को पहुँचाने का काम किया है। ऐसे नेतृत्व के लिए हम 2 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसमें संगठन ही सेवा के नाम से, सेवा ही संगठन और सेवा ही परमो धर्म मानते हुए 2 साल के अंदर जो काम करे हैं हमने, हमारी सरकार ने, उनका एक पत्रक और सैनिटाइज मास्क इसी के साथ में और नूह जिला के हमारे जो करीबन 3 विधानसभा नूह जिला के अंदर है, इन सब पूरी जनता को हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि ये जो महामारी है इससे निमटने के लिए, इससे लड़ने के लिए आपको सामूहिक रूप से ताश वगैरह ना खेला जाए, सामूहिक रूप से बैठकर हुक्का पानी ना किया जाए, साथ में मास्क लगा के आप रहें, मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर से हाथ आप बार बार धोते रहें, तो एक तरीके से सफाई का ध्यान देना और उसके साथ साथ में अपने परिवार की देखभाल करना, घर के अंदर रह के ज्यादा से ज्यादा इस महामारी से लड़ना, इन सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। पाटिल जी लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है, सरकार नरम दिल क्यों नहीं दिखाती, आप सरकार को कोई सजेशन क्यों नहीं देते, कोई बीच का रास्ता, कोई बातचीत का रास्ता, क्या ख्याल है? नहीं देखिए, आप और हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं भाई, वो जो 3 कानून बने हैं आपने पढ़े होंगे और मेरे ख्याल से जो भी हमारे प्रभुत्व लोग हैं ज़्यादातर सबने वो पढ़े हैं। अगर उसमें आपको ये लगता है कि भाई यहाँ कमी है, बार बार केंद्र की सरकार ने, बार बार हरियाणा की सरकार ने, बार बार अनेक प्रांतों की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उन्होंने कहा है कि इसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कानून में यहाँ दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करने का कार्य करेंगे। रही बात कि अगर किसान के रूप में आप उसको पॉलिटिकल व्यू लेकर चलोगे, पॉलिटिकल दृश्य में उसको देखोगे, तो मेरा ख्याल से वो सारे के सारे आप लोगों को, जनता जो सब समझ रही है कि विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं, 10 साल से इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की जो आंधी चल रही है, जो काम हो रहे हैं, उन सारे कामों से डर गए हैं विपक्ष के लोग और इनको ऐसा लग रहा है कि 2024 नहीं 2029 तक भी हमारा नंबर आने वाला नहीं लग रहा, तो अब इनको कुछ ना कुछ ये टूल किट वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा हमने बार बार कहा है, मैं स्वयं किसानों के साथ में, डेलीगेशन के साथ में कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी से मिला था, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी नरेंद्र तोमर से मिले थे, अमित भाई से मिल के आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, बार बार प्रयास कराया कि इसके अंदर जो भी कोई सुधार करने की जरूरत पड़ेगी हम उसमें सुधार करने की तैयार हैं। लेकिन अब बार बार आप एक ही बात रटोगे कि ये 3 काले कानून खत्म होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, हमने किसान की भलाई के लिए ये कानून लागू करी है, ना कि किसान को उजाड़ने के लिए। भाटी जी, 7 साल पूरे होने वाले हैं कल के दिन, अभी जिक्र आया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सारी चीज़ें रेमडेसिविर पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि आप 2021 तक देश के सब लोगों को वैक्सीन लगा देंगे? अब विपक्ष लगातार हमलावर है कि वैक्सीन की कमी है, तो बीजेपी हमें बताए कि वो कैसे 2021 तक सबको इंजेक्शन लगा दे। देखिए, आपने, हम सब ने, आप मीडिया के मित्र हैं, आप सब डेली खबर में सुनते भी होंगे कि अभी इंडस्ट्री के अंदर जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो कोविड हो चाहे कोवैक्सीन हो, जो हमारी हिंदुस्तान की वैक्सीन है उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, उनके लिए नए नए प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं और
बाहर के मित्रों से मिलकर भी यहाँ पर प्लान डेवलप किए जा रहे हैं, उनमें भी हमारी वैक्सीन का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए भी प्रयास है, सरकार कर रही है। और जो बाहर की जो मेडिसिन बनाती हैं कोवैक्सीन वगैरह, और जो अपनी फाइबर है या फाइजर है या आपका रशियन की स्पूतनी है, इन सबको हमने कहा है कि आइए आप हिंदुस्तान के अंदर प्लांट लगाइए, यहाँ के हमारी जो जो मेडिसिन बढ़ाने वाली कंपनियाँ हैं उनके साथ टाई अप करिए और साथ मिलकर